सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल और स्टडी में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं द्विघात समीकरण का यहाँ पे गुणनखंड निकालने के लिए बताने वाला हूँ। और गुणनखंड निकालने के बाद वहाँ पे जो चर पद का मान होता है, यानी जिसका मान, चर पद कहने का मतलब है कि जिसका मान जो है बदलता रहता है। मान लीजिए कि एक्स के मान है एक, और वहाँ पर दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, यानी जो उसका वैल्यू है बदलता रहता है, तो उसे हम चर पद कहते हैं। तो ये जो है, इसमें चर पद का वैल्यू निकालना है। ये जो है द्विघात समीकरण है, यानी द्विघात समीकरण में यहाँ पे दो मूल होते हैं, यानी के का जो वैल्यू आएगा दो, मतलब दो गो आएगा, यानी एक्स का जो यहाँ पे अचर, सॉरी, जो यहाँ पे चर पद है उसका जो मान आएगा दो वैल्यू आएगा, यानी दोनों आंसर होगा। तो यहाँ पर क्या है, द्विघात समीकरण है। कैसे है, क्योंकि इसका जो घात, अधिकतम घात जो है दो है, यानी 2k² प्लस 7k प्लस 5। इसमें मैंने अंतर क्या किया है, आपने द्विघात समीकरण का गुणनखंड निकालना सीखा होगा, लेकिन वहाँ पे क्या था कि वो जो था x के फॉर्म में था, ये जो है k के फॉर्म में है। मैंने इसको खुद से k के फॉर्म में चेंज किया है, और इसको गुणनखंड निकालना है। कैसे निकालेंगे, वही तरीका है गुणनखंड निकालने का, सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम वेस्ट के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करना होता है गुणनखंड निकालने के लिए, सबसे पहले तो आपको फर्स्ट और लास्ट का गुणा करना होता है। यानी फर्स्ट में क्या है, दो है, और लास्ट में क्या है, पाँच है। तो गुणा करेंगे दो और पाँच, तो 2 × 5 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 10। अब 10 आ गया, इस 10 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला जो 7 है ना, ये आ जाए। जोड़ने या घटाने पर हमको 7 लाना है, और गुणा करने पर तो 10 है। और जो इस 10 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर 7 आ जाए। तो हम 10 को यहाँ पे 2 × 5 या 5 × 2 कर सकते हैं, और 5 और 2 को जोड़ेंगे तो ये 7 आ जाएगा, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमारे ये 10 आ जाएगा। तो यही वो संख्या है, यानी 2 × 5 कर दीजिए या 5 × 2, तो हमारा जो है ये सॉल्व हो जाएगा। तो यही 5 और 2, यही दो संख्या है जिसको हम 10 का गुणनखंड के रूप में तोड़ सकते हैं। तो चलिए इसको यहाँ पर इंटर करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आपको फर्स्ट जो है इसको उतार लेना है, उसके बाद प्लस 7x के बदले, सॉरी 7k के बदले में आपको लिखना है 5k + 2k। देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो फिर से हमारा 7k आ जाएगा, और प्लस में यहाँ पर 5 है तो इसको तो हम ज्यों का त्यों लिख लेंगे। अब आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको कॉमन लेना होता है। कॉमन मतलब कि जो दो व्यक्ति हैं, मान लीजिए दो व्यक्ति, उन दोनों में कोई गुण है। मान लीजिए कि दो व्यक्ति हैं, दोनों बेल्डर हैं, तो उनका जो बेल्डर, वहाँ पर जो वर्क है वो बेल्डर कॉमन हो जाएगा। यानी जो दोनों व्यक्ति में गुण मौजूद हो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन बोलते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या है, एक जैसा क्या है। कॉमन कहने का मतलब कि जो दोनों में मिलता जुलता हो। तो इसमें दो है, इसमें दो नहीं है, इसमें क्या है, पाँच है। इसमें के है, इसमें भी के है, यानी के दोनों में मिल रहा है। तो क्या के क्या हो जाएगा, हमारा कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर एक के है, यहाँ पर के एक्स के का जो है पावर 2 है। तो यहाँ पे अगर हम के कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इसमें से के का पावर 2 है तो एक के तो इधर निकल गया, यहाँ पर एक के बच गया, यानी 2 है, और इसमें का एक के बच गया तो 2 के हो जाएगा। प्लस है तो प्लस, इसमें से के यहाँ पर आ गया है, सिर्फ यहाँ पर 5 बच जाएगा। आई होप कि आप इतना समझ गए होंगे। अब आपको क्या करना है कि इन दोनों में देखना है कि कॉमन क्या है, और यह भी ध्यान में रखना है कि हमारा कोष्ट में बराबर आना चाहिए। ये जो है कोष्ट में हम आगे सॉल्व करेंगे तो बराबर आना चाहिए। चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ, इन दोनों में कॉमन क्या है। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर के है, इसमें के नहीं है, इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं रहता है। तो यहाँ पर सबसे पहले प्लस है तो प्लस लिख लेंगे, और कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो 1 कॉमन ले लेते हैं। यानी हमको कॉमन किसी भी हाल में लेना है, तो 1 कॉमन हो जाएगा।
तो वन कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू के, क्योंकि फिर टू के से वन में गुना करेंगे तो टू के हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, यहाँ पर फाइव हो जाएगा, फाइव हो जाएगा, क्योंकि फिर फाइव से वन में गुना करेंगे तो हमारा फाइव आ जाएगा। आई होप कि आप इतना समझ गए होंगे। चलिए, जब इतना समझ गए हैं तो आगे भी समझ जाएंगे। अब आपको क्या करना है कि देख सकते हैं यहाँ पर कोष्ट में क्या है, सेम है, तो हमको पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक देखना है कि कॉमन क्या है। तो इन पूरे में देख सकते हैं ये 2k+5 और यहाँ पर भी है 2k+5, यानी 2k+5 जो है हमारा कॉमन हो जाएगा। तो मान लीजिए कि यहाँ से 2k+5 निकल गया तो यहाँ पर हमारा क्या बच जाएगा, k बच जाएगा। यहाँ पर प्लस है, यहाँ से भी 2k+5 यहाँ पर निकल गया तो यहाँ पर हमारा प्लस का 1 बच जाएगा ना, तो प्लस दे दिए हैं, 1 दे देते हैं, यानी k+1 हो गया। अब हमको क्या करना है कि k का मान निकालना है। तो जब भी आपको k का मान निकालना होता है तो आपको इस जो द्विघात समीकरण है इसके बराबर में जीरो करना होगा, जीरो करना होगा तभी जाकर k का मान निकलेगा। यानी सभी यहाँ पर बराबर में जीरो कर दीजिएगा, यहाँ पर सबके बराबर में जीरो, जीरो यानी इस पूरे संख्या के बराबर में क्या है, जीरो है। कहने का अर्थ है कि इसके बराबर भी जीरो और इसके बराबर भी जीरो, क्योंकि दोनों के बराबर है जीरो। तो हम क्या करेंगे, एक बार क्या करेंगे कि 2k+5 के बराबर जीरो कर देंगे, यानी 2k+5 के बराबर जीरो, यानी इसके बराबर एक बार जीरो, और ऐसे डडियर खींच कर k+1 है ना दूसरा, k+1 इसके बराबर भी जीरो कर देंगे। देख सकते हैं k का मान यहाँ पर 2 आएगा, यानी 2 आंसर होगा, k का जो वैल्यू आएगा 2 आएगा, जो कि एक x का वैल्यू होता है फर्स्ट, और सेकंड जो होता है y का वैल्यू होता है। चलिए आगे बताते हैं। तो यहाँ पर है 2k+5, तो यहाँ से हमको k का मान निकालना है। तो सबसे पहले 2k इधर रहने देते हैं, प्लस 5 को बराबर को उधर भेजेंगे तो -5 हो जाएगा। अब क्या करना है कि k का मान निकालना है, तो k बराबर क्या हो जाएगा, ये तो -5 इधर पहले से है और इधर क्या है, k के गुना में है 2, और बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागे में यानी बटे में लग जाएगा। तो k का मान एक -5/2 हो गया, और दूसरा मान जो है यहाँ से निकलेगा, k+1=0, तो k बराबर क्या हो जाएगा, इधर है +1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। तो यहाँ पर जो है k का मान 2 निकल कर आ गया, यानी 2 आंसर हो गया। ये जो है x का वैल्यू होता है, ये जो है y का वैल्यू होता है। अगर हम ग्राफ में निकालेंगे गुणनखंड, यानी वहाँ पर मूल निकालने के लिए कहता है, तो यहाँ पर द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, ये फर्स्ट मूल है, ये सेकंड मूल है। यानी द्विघात समीकरण जिसका घात 2 हो उसका जो है आंसर 2 आएगा, यानी 2 आंसर आएगा, 2 मूल आएगा। तो यहाँ पर हम इसको के बराबर ऐसे लिख सकते हैं, -5/2, -1, और यही हो गया आपका आंसर। आई होप कि आप इस वीडियो में गुणनखंड निकालना सीख गए होंगे, क्योंकि बहुत ही बारीकी से मैंने समझाया है, मेरे तरफ से जितना हुआ है मैंने कोशिश किया है आपको समझाने का। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर तो k था, यहाँ पर x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, यानी जो भी यहाँ पर चर पद है यहाँ पर हो सकता है, ABCD में कुछ भी हो सकता है। आप इसी तरह निकालना है, सिर्फ जहाँ पर k है अगर यहाँ पर y रह रहा है तो यहाँ पर y कर देना है, बाकी सब सेम प्रक्रिया करना है, और आपको क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेना है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।